हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज मैं फिर से बनाने वाली हूँ दाल पालक। यहाँ मैंने फटाफट से अपने भाई से मंगाई दाल और पालक। आप लोग भी क्या दाल पालक ऐसे ही बनाते हैं, मुझे ये कमेंट में बताना। हमारे तो ऐसे ही बनती है। यहाँ मैंने मूंग की दाल और जो काली वाली दाल होती है ना, उसको मिक्स करके बनाई है। आज काफी दिनों के बाद हमारे घर में दाल पालक बन रही है। कि हमारे घर में कुछ लोग दाल नहीं खाते हैं लेकिन दाल पालक खा लेते हैं, इनका भी समझ में नहीं आता। मुझे तो दाल कढ़ी वगैरह बहुत अच्छी लगती है, तो मैं तो शौक से खाती हूँ। सबसे पहले मैंने दाल को अच्छे से भिगो कर उसको अच्छे से धो लिया है और पालक को मैंने बारीक बारीक काट कर उसको भी पानी में अच्छे से भिगो लिया है, मतलब धो लिया है। उसके साथ साथ ही मैंने तड़के का सारा सामान काट लिया है। हमारे घर पर दाल बिल्कुल सिंपल सी बनती है क्योंकि दाल है हल्का खाना और प्रोटीन भी होता है दाल के अंदर। तो दाल को जितना कम तड़के का सामान डालेंगे ना, मतलब ज्यादा अच्छा होता है। अब बिना लहसुन प्याज के हम दाल नहीं खाते हैं। हाँ, लेकिन कभी फास्ट वगैरह हो तो हम लहसुन और प्याज अवॉइड कर देते हैं, इसी सिंपल तरीके से खाना खाते हैं। अब मैं सबसे पहले ना दाल को अच्छे से उबाल लूंगी, यानी कि 3-4 सीटी लगवा लूंगी। दाल को अच्छे से उबाल लेंगे और एक साइड में मैं ना तड़का का सामान तैयार कर रही हूँ, तो साथ साथ मैं तड़का भी लगा लूँ। तो सबसे पहले मैंने डाला तेल, तेल के अंदर डाला मैंने जीरा। आप चाहो तो वो क्या कहते हैं उसको, सरसों क्या बोलते हैं उसको, अजवाइन नहीं बोलते उसको, क्या बोलते हैं यार, याद नहीं आ रहा। वो सरसों के बीज को क्या बोलते हैं, राई। हाँ, आप चाहो तो राई के भी तड़का लगा सकते हो। मैंने यहाँ ना हरी मिर्च और लहसुन को अच्छे से कूट लिया है। मैं कूटा हुआ डालते क्योंकि हमारे मम्मी के अंदर लहसुन वगैरह आते हैं तो इनको अच्छा लगता है। घर में कुछ लोग नहीं खाते हैं तो उस वजह से मैं वो कूट के डालना पड़ता है, तो सारे खा लेते हैं। आपके घर में भी नखरे करने वाले कुछ लोग हैं? हमारे घर में तो बहुत लोग हैं, बहुत नहीं तो कम से कम 2 लोग तो हैं जिनके नखरे चलते रहते हैं। ये हम ऐसे नहीं खाएंगे, इसको ऐसे बनाना और इसको इस तरीके से बनाना। ऐसे नखरे करने वाले हमारे घर में 2 जने हैं। तो फटाफट से तेल के अंदर मैंने जीरा, जीरे के बाद मैंने प्याज डाला, प्याज के बाद मैंने हरी मिर्च जो मैंने कूटा हुआ था, लहसुन का पेस्ट उसको डाला, फिर टमाटर डाला, फिर आपके अनुसार से आप जो भी मसाले वगैरह डालना चाहते हो दाल के अंदर। मेरे हिसाब से मसाले ज़्यादा नहीं डालने चाहिए, सिंपल सा मतलब जो भी होता है दाल में, हरी मिर्च हो गया या फिर लाल मिर्च हो गया, नमक हो गया, हल्दी हो गया, थोड़ा सा मसाला गरम मसाला डालना चाहो तो डाल सकते हो, धाना डाल सकते हो। इसी दाल से दाल बनाओगे ना तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। कुछ दिनों के लिए तो खाना मुझे ही बनाना पड़ेगा क्योंकि मम्मी गई हुई थे, तो फिर हम सबके लिए खाना जो है मैं बनाऊंगी। और साथ में मेरी बहुत ज़्यादा वीडियो हो गई है और काफ़ी दिनों से मेरी वीडियो भी नहीं है ना। आपको पता है मेरी बहन तो सुबह चले गई है, तो उस वजह से मैं ना मेरा मन ही नहीं करा वीडियोस बनाने का। तो मैंने काफ़ी टाइम से कोशिश करी, मतलब कुछ हिम्मत की है और वीडियो बनाने सब वापस से चालू किया है। तो कोशिश कर रही हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मतलब आ रही होगी, है ना। नहीं भी आ रही तो यार पसंद कर लेना, ठीक है, क्योंकि अब घर में पकड़ने वाला कोई नहीं है ना, फोन वगैरह या कैमरा वगैरह, तो मुझे ट्राइपॉड के अंदर मतलब एंगल लेके बनाना पड़ रहा है। पर जैसे मेरे से एंगल ले रहे हैं वैसे ले रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। क्या पता कोई अच्छी वीडियो बन जाए, है ना। पता है मुझे क्रिकेट प्रिया के लिए भी बनाना पड़ता है और उसके लिए भी फेसबुक के लिए बनाना पड़ता है और यूट्यूब के लिए और इंस्टाग्राम के लिए, इन सभी के लिए बनाना वीडियो बनानी पड़ती है। तो टाइम पता नहीं कहाँ चला जाता है और ऊपर से मुझे कॉलेज भी जाना पड़ता है, तो टाइम का तो पता ही नहीं लगता अभी कहाँ मतलब चला गया टाइम। अब मैंने फटाफट से खाना डाल लिया। अब दाल हो और दाल के साथ हरी मिर्च ना हो और प्याज ना हो, ऊपर से नींबू ना निचोड़ा हो, तो मज़ा नहीं आता। तो मैं तो जब भी दाल बनती हूँ तो प्याज तो जरूरी कट करती हूँ और साथ में हरी मिर्च अगर मीठी हो तो ले लेती हूँ, अगर खारी कड़वी होगी ना ज़्यादा वो नहीं लेती। ये मैं हमारी जो घर में मिर्चें लाई हूँ ना वो मीठी है, तो मैं खा लेती हूँ फटाफट से। मुझे बहुत अच्छा लगता है मिर्च खाना। आई लव ग्रीन चिली। काफी दिनों के बाद दाल पालक खाई खाकर मजा ही आ गया। आप भी बनाकर जरूर ट्राई करना, पक्का पक्का मजा आएगा, खाने में टेस्टी भी होगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।